हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, महीने बाद, दो महीने बाद की बात नहीं बन रही। हम नाम सिमरन भी कर रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, पर हो नहीं रहा कुछ। अब गुरु ग्रंथ साहिब जी ना हमें बड़ा प्यारा समझाते हैं कि हमने अगर मेहनत करनी है ना तो कितनी करनी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, कर गए लीनी पार ब्रह्म बढ़ न विछड़िए है। मतलब वाहिगुरु जी ना जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना, उसके बाद हमें उनसे कोई जुदा नहीं कर सकता। बट वी नीड टू डू हार्ड वर्क टिल दैट टाइम, एट लीस्ट एनी टाइम इफ यू हैव दैट क्वेश्चन ना कि वाई यार आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, आई एम डूइंग नाम सिमरन, आई एम डूइंग सेवा, बट आई एम नॉट फीलिंग द डिफरेंस। नो, यू वोंट फील द डिफरेंस। यू हैव टू डू हार्ड वर्क टिल द टाइम गॉड होल्ड योर हैंड, बिकॉज वेन गॉड होल्ड योर हैंड ना, ही विल नॉट गोइंग टू लीव यू एवर। और जब भी ये मन में एक सवाल है, बस यही सोचो, क्या वो वक्त आ गया, क्या उन्होंने मेरी बाह पकड़ ली? नहीं पकड़ी अभी तक। और ऐसा भी होता है कि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बाह उन्होंने नहीं पकड़ी, वो तो हमेशा से रेडी है, वो तो चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आए, मैं सब कुछ उसको देने के लिए रेडी हूँ, बट वो खुद ही मेरे से दूर जा रहा है। हमारी जो हरकतें हैं ना, मैं आपको बोलूँ, हमारा जो दिन क्रिया है, हम इतने पाप करते हैं जो अनकॉन्शियसली नहीं पता चलता हमें। एक कॉपी लो, एक डायरी लो, उसमें एक पासा लिखो गुड थिंग्स का, एक पासा लिखो बैड थिंग्स का, और एवरी डे भरो। और गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने, जो फिफ्थ गुरु थे, उन्होंने पास कोई आए थे लोग, तो उन्होंने उन्हें कहा था, उन्होंने कुछ सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि आप एक ना पेज लो और उसमें रोज का लिखो कि आपने उस दिन अच्छा काम कौन सा किया, गलत काम कौन सा किया, पर सच्चाई से करना, लिख के तो कुछ भी आ जाओगे, है ना। पर गुरु तो सब कुछ जानता है। उन्होंने कहा कि आप जो लिखोगे सच्चाई से लिखना। अब जब वो पहले दिन आए ना, तो देर वॉज दैट पेज ऑफ गुड थिंग वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी, द पेज ऑफ बैड डीड इट वॉज कम्प्लीटली फिल्ड। देन दे एक्चुअली रियलाइज दैट नो, वी आर नॉट इम्प्रूविंग आवर सेल्फ एंड वी आर जस्ट स्ट्रेट अवे आस्किंग फ्रॉम गॉड। फर्स्ट वी नीड टू लुक एट आवर सेल्फ, क्या हम, हमारी लाइफ है ऐसी कि हम उनसे वो मांग सकें? ऑब्वियसली मांग सकते हैं हम, पर एक सच्चे दिल से। ये नहीं कि जब मांगना है तब सच्चा दिल से मांग लिया, उसके बाद हम जा रहे हैं गलत काम भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, वो फिर गलत हो जाती है ना चीज। गुरु महाराज ऑल्सो सेज दैट इन गुरबाणी, दैट मन जीत है जग जीत, दैट वी हैव टू विन आवर माइंड टू विन दिस होल क्रिएशन। एंड हाउ टू विन दिस माइंड, वी हैव टू डू मेडिटेशन ऑफ गॉड एंड सेवा, गुड डीड्स, सेवा एंड मेडिटेशन। We can't just do one thing because both of these things are interrelated. So we have to make both these things as a parallel practice in our life. है ना? That's the power of Kali Yuga. That's the power of Kali Yuga. We have to take the support of Vaheguru, na? Even if when you are meditating or you are sitting and you know your mind wavers to like 100 or thousands of places, it's okay. At a beginning stage, it happens. It happens. It's very normal. It's just that it takes a little time for the Kali Yuga to understand that this person is going towards the path of God and I need to try my level best to not let him do that. उसका तो काम है ना ये, क्योंकि जब, मेरी बात सुनो, जब वो गॉड की लाइन पे हम लोग नहीं जा रहे ना, तब तो उसकी लाइन में है, फिर वो क्यों हमें तंग करेगा? जब हम गॉड की लाइन में जाएंगे तभी तो उसको प्रॉब्लम होती है। यही तो लड़ाई है, ये लड़ाई है, और लड़ाई ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली। देखो ऐसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं कि हम आज नाम सिमरन करें और रात तक हमें तृप्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। क्योंकि आपने जैसे कर्मों की बात बोली, पिछले कितने जन्मों जन्मांतरों के कर्म है जो हम लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर मौका यही है हमारा वाहेगुरु जी से मिलने का। दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी बिकॉज वी आर इन द ह्यूमन फॉर्म एंड ह्यूमन फॉर्म इज द ओनली अपॉर्चुनिटी व्हेन वी कैन कनेक्ट टू गॉड। ए मानस जन्म दुर्लभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। दिस इज गुरु ग्रंथ साहिब जी सेज दैट दिस ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस।
Yeah, exactly. It's all our karmas. It's all our bad deeds because of which we are still wavering. We are still living in this creation. We are not connected back to God, right? So, Guru Maharaj says that this is the only opportunity for you. And if you don't meditate, अगर आप नाम सिमरन नहीं कर रहे तो नाम बिना वृथा सब जाए तो मतलब इट्स ऑल वेस्ट इफ यू आर नॉट डूइंग नाम सिमरन एंड ट्राइंग टू कनेक्ट टू गॉड योर लाइफ इज कम्प्लीटली वेस्ट इट डजेंट मैटर हाउ बिग यू बिकम इन दिस होल वर्ल्ड डजेंट मैटर हाउ बिग यू मेक योर बिजनेस हाउ बिग योर हाउस इज हाउ मेनी कार्स यू हैव रियली डजेंट मैटर वी आर गोना गो विदाउट क्लोथ्स व्हेन वी डाई है ना सुनने में कई बार बड़ा डरावना सा लगता है हम भाग रहे हैं हम पागलों की तरह ये भी खरीदूं वो भी पालूं ये भी पालूं वो भी पालूं और इन द एंड जब हमने खत्म हो जाना है तब सोने का एक अंगूठी भी नहीं हम पहन के जा सकते क्योंकि हमें वो जलाने वाले पट्टे के अंदर डाल देना है जिसके अंदर से फिर हमारी राख ही निकलेगी हमारी बॉडी पूरी सड़ जाएगी वी विल बी बर्न्ड कपड़ा भी नहीं होगा हमारे पास ये चीज जब समझ लग गई ना हमें हमारा अच्छा टाइम शुरू होगा वी ऑल नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ एंड इट्स आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कांट मेडिटेट फॉर हिम ही कांट मेडिटेट फॉर मी इट्स लाइक कि भाई चलो तुम ऐश कर लो मैं तुम्हारे लिए नाम सिमरन भी कर लूंगा ऐसा है ही नहीं अपने को मुक्त कराना है तो उसकी मेहनत अपनी खुद ही करनी पड़ेगी